स्टूडेंट्स वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। नाउन पार्ट फोर, नाउन एंड जेंडर। बेटे पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था नाउन एंड नंबर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, कौन से वर्ड हमारे प्लूरल होते हैं, कौन से वर्ड सिंगुलर होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी एज इट इज़ रहते हैं, यानी कि उनका सिंगुलर और प्लूरल एज इट इज़ रहता है। आज हम इस पार्ट में करेंगे नाउन एंड जेंडर। तो देखते हैं बेटे ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जेंडर की बात करें नाउन की, तो ये कितने प्रकार का होता है बेटे? चार प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। अब ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू अ मेल जेंडर। मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट रेफर्स टू अ मेल मेंबर कह लीजिए आप, या जेंडर कह लीजिए, मेल मेंबर को रेफर करता है ये, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे मेल हैं वो सारे के सारे मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। एग्जांपल देख लीजिए इनका, जैसे मैं कहूँ एग्जांपल की मैं बात करूँ, जैसे मैन है, बॉय है, किंग, लॉयन, लाइन, ये सारे बेटे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ भी है, और जैसे इसमें कुछ भी ले लो आप, हीरो, जो भी हमारे मेल होते हैं, ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। इनको मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटे सेकेंड, वो होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं? तो इट रेफर्स टू अ फीमेल मेंबर। तो ये फीमेल मेंबर को रेफर करता है, ठीक है, ये मेल मेंबर को रेफर करता है, ये फीमेल मेंबर को रेफर करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल कौन से होंगे? एग्जांपल अब मैन का क्या हो जाएगा? वुमन, ठीक है। बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। लॉयन का क्या हो जाएगा? लॉयनेस, ठीक है। तो इस तरीके से हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन। तो बेटा इस तरीके से, तो ये मेल है, ये फीमेल है, फेमिनाइन में हमारे फीमेल आते हैं। थर्ड होता है बेटे हमारा कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर क्या है? ये दोनों के लिए यूज होता है हमारा कॉमन जेंडर। इसमें दोनों आते हैं बेटे, मेल भी और फीमेल भी, दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे इट रेफर्स टू ए मेंबर विच कैन बी ए मेल और फीमेल। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, या मैं इसको सिंपली इतना ही लिख देता हूं कि इट इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो उसको कॉमन जेंडर हम बोलेंगे। यानी कि उसको देख करके ये पता नहीं चलता कि मैं मैस्कुलाइन की बात कर रहा हूँ या फेमिनाइन की कर रहा हूँ, दोनों के लिए वो यूज होगा, ठीक है। जैसे चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड हमारा आ गया बेटे स्टूडेंट, स्टूडेंट लगा लो, बेबी, टीचर, डॉक्टर, इस तरीके के बेटे, ठीक है। एग्जाम देने जाते हैं, कैंडिडेट, ठीक है। अब चाइल्ड है, दोनों के लिए यूज किया जाएगा, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब चाइल्ड जो है दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट में भी दोनों आ गए, मेल भी आ गए, ही भी आ गया, शी भी आ गया, ठीक है। बेबी में भी दोनों आ गए, टीचर, टीचर आपका चाहे मेल हो, मेल को भी मैं टीचर ही बोल लूंगा, फीमेल है, लेडीज है कोई, वो भी टीचर ही है हमारी, ठीक है। तो टीचर में दोनों आ गए, डॉक्टर भी मेल और फीमेल है, इसी तरीके से हमारा कैंडिडेट, दोनों आ जाते हैं इसमें कॉमन जेंडर में। बस इनके नेम हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फोर्थ देखते हैं हमारा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल में क्या,
ठीक है, ये जनरली यूज किया जाता है बेटे नॉन लिविंग्स के लिए, ठीक है, जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए न्यूटर आता है, यानी कि इट इज यूज्ड नीदर फॉर मेल नॉर फॉर फीमेल, ना तो मेल के लिए ना फीमेल के लिए। तकरीबन हमारे किस में आ जाते हैं, इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं इट इज यूज्ड फॉर, क्योंकि लाइफलेस ऑब्जेक्ट को आप ना तो मेल में रखेंगे ना फीमेल में रखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि नीदर मेल नॉर फीमेल, नीदर मेल नॉर फीमेल, तो लाइफलेस इसमें ऑब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे। जैसे कि मैं बात करूं बुक, चेयर, पेन, पेंसिल, ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड, पेन है, पेंसिल है, कार है, ट्री है। अब ट्री तो कुछ बच्चे कहेंगे जी ये तो लाइफ होती है ट्री में, तो बेटे वो साइंस में होती है, इंग्लिश में हम नहीं मान के चलते, लिटरेचर में इसको हम लाइफलेस में ही लेते हैं, साइंस की बात अलग, हम साइंटिफिक बात नहीं कर रहे है, तो ये जड़ चीज ना, ठीक है, चेतन नहीं है, जड़ है, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो बुक है, चेयर है, पेन है, क्योंकि ना तो हम ट्री को देख लो, ना तो हम मेल में ले सकते, ना फीमेल में ले सकते, ट्री है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटे न्यूट्रल जेंडर में। तो ये चार तरीके के मैंने आपको बताए, जेंडर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और जेंडर, तो ये नाउन एंड जेंडर खत्म हो जाता है, इतना ही है बस ये। इससे आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है नाउन के टॉपिक का, नाउन एंड केस, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट यही और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है बेटे हमारा नाउन एंड केस। नाउन एंड नंबर हमने कर लिया, नाउन एंड जेंडर कर लिया, अब बारी आती है लास्ट पार्ट है नाउन का, नाउन एंड केस। तो अब ये देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं बेटे कि ये केस क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले केस देखते हैं, केस क्या होता है। केस, केस टेल्स अस, केस टेल्स अस द फंक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, केस टेल्स अस द फंक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, सॉरी ये सेंटेंस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, किसी भी सेंटेंस में उस नाउन और प्रोनाउन का जो हमने यूज किया है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या रोल परफॉर्म करता है, वो हमें बताता है केस। तो फिलहाल हम नाउन कर रहे हैं, प्रोनाउन नहीं कर रहे, तो हम नाउन ही लेके चलेंगे, ठीक है, प्रोनाउन नहीं, तो हमारा जो मेन है वो नाउन है, नाउन लेके चलेंगे। तो देखते हैं क्या फंक्शन बताता है। तो तीन तरीके के फंक्शन होते हैं नाउन और प्रोनाउन के किसी भी सेंटेंस में, तो देखते हैं क्या तीन फंक्शन होते हैं वो। सबसे पहले होता है बेटे, जो सबसे पहला केस है वो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव केस कह लो या नॉमिनेटिव केस कह लो। दूसरा हमारा इसमें होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूसेटिव केस, एक्यूसेटिव केस। तीसरा जो इसमें हमारा होता है वो होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, और इसको हम बोलते हैं जेनिटिव केस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी नाम आ सकता है, ये ही हमारे कॉमन है, प्रचलन में यही है, इस साइड वाले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव, ठीक है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ये दूसरे नाम है इसके। तो सबसे पहले लेकर के चलते हैं हम अपना फर्स्ट सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, अब ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये जब ये हमें बताता है कि वो नाउन, अभी फिलहाल मैं नाउन की बात करूंगा, वो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन करता है,
ठीक है, सब्जेक्टिव केस कह लो या इसको सब्जेक्ट कह लो, एक ही बात है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट का एक्ट करता है सेंटेंस में तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, व्हेन अ नाउन, अभी नाउन को ही लेके चले, प्रोनाउन को नहीं, व्हेन ए नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, यही हमें केस फंक्शन बताता है, तो वो जब वो नाउन यानी नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, देन इट इज सेड टू बी इन, इट इज सेड टू बी इन सब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटे, जब कोई नाउन और प्रोनाउन, नाउन की बात कर रहे हैं तो खाली नाउन लेते हैं, जब कोई नाउन एक्ट करता है सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, तब उसको किस में कहा जाता है, सब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। ठीक है, जब वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब ये सब्जेक्ट का काम करने से क्या मतलब है, यानी कि हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने कहा कि वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो फिलहाल ये सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं बेटे, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट को सेंटेंस में। दो डेफिनेशन होती हैं इसकी, या तो वो क्या होगा, सेंटेंस डूअर होगा, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस में, डूअर होगा, डूअर यानी कि कर्ता। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं इसको, कर्ता, या तो वो डूअर होगा, ठीक है, या उसका जिक्र किया जाएगा, वो क्या होगा, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इसकी, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं सब्जेक्ट की, तो डेफिनेशन होगी, इट इज doer in a sentence, sentence में क्या होता है, ये doer होता है, और about which something is said, about which something is said, या तो वह ये डूअर होता है सेंटेंस में, या फिर इसके बारे में कुछ कहा जाता है, इसका जिक्र किया जाता है, मेन पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो, मैंने कहा नाम ले लेता हूं मैं, क्योंकि हम नाउन का जिक्र कर रहे हैं, रवि परचेज्ड अ कार, एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। तो अब यहां मेरे को ये बताओ, परचेज्ड अ कार, यहां मेरे को एक बात बताओ, काम कौन सा हो रहा है इसमें, खरीदने का, परचेजिंग का। ठीक है, अब ये काम कर कौन रहा है, किया किसने है, खरीदी किसने है कार, डूअर कौन है, रवि, तो रवि हमारा हो गया डूअर, काम को करने वाला, यानी कि डूअर ही क्या होता है मेरा, सब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस में वो डूअर हो, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डूअर हो। दूसरी डेफिनेशन पे आए, उसका जिक्र भी किया जाता है सेंटेंस में, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहां देखिए, वो काम कर रहा है परचेजिंग का, खरीदने का, तो ये डूअर है। ठीक है, अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं, मैंने कहा रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब क्या यहां पर रवि कुछ काम कर रहा है, अगर मैं रवि को देखूं, यहां पर रवि काम कर रहा था, डूअर था, सब्जेक्ट था, यहां मैंने कहा रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या रवि कुछ काम कर रहा है यहां पर, नहीं, मैं तो रवि के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, या रवि के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा हूं। इंटेलिजेंट बॉय कौन है, रवि, तो रवि भी हमारा क्या होगा यहां पर, सब्जेक्ट हो गया। तो ये यहां हमारी दोनों डेफिनेशन प्रूव हो जाती हैं, या तो वो डूअर मिलेगा सेंटेंस में, या फिर उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। ठीक है, एक और बात, अगर फिर भी आपकी पहचान में नहीं आ रहा है, तो ये जो बेटे हमारा सब्जेक्ट होता है, ये होता है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, आंसर ऑफ हु,
आप हु लगा के देख लीजिए मेन वर्ब में, जो भी आता है आपका वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ देखिए मेन वर्ब क्या है, परचेज्ड, तो हु परचेज्ड ए कार, ये काम किसने किया। हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन या किसने, ये होता है इसका मतलब। तो किसने की, किसने खरीदी कार, रवि ने, तो हु का आंसर आया रवि, सब्जेक्ट है। कौन है इंटेलिजेंट बॉय, कौन, ठीक है, कौन है इंटेलिजेंट बॉय, रवि, तो हु का आंसर आया रवि। तो ये बेटे सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं, सॉरी सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के, कि कैसे आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट या तो डूअर होगा या उसका जिक्र किया जाएगा, और ये हु का आंसर होता है। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस पर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, देखते हैं। व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, then it is said to be in objective case, तब इसको किस में कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करने का क्या मतलब है भाई, अब ये देख लेते हैं कि सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन वैसे कुछ नहीं होती बेटे, ये तो अपनी तरफ से बनानी होती हैं, बस उनकी जो है पहचान आनी चाहिए हमें, ठीक है। इट इज द रिसीवर, रिसीवर कौन सा, फोन वाला नहीं, अब तो आते भी नहीं, अब तो मोबाइल आ गए, पहले वे ऐसे थे लैंडलाइन फोन, उनमें रिसीवर होते थे। इट इज द रिसीवर, अब ये भी रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन का रिसीवर होता है, इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब इस एक्शन को कौन करता है, डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है, एक्शन को, ठीक है, और इस एक्शन को करता कौन है, सब्जेक्ट करता है। देखते हैं क्या बात है, ठीक है, मैं लिखता हूं द, दूसरे पेन से लिखता हूं द, सॉरी मार्कर से, द पुलिसमैन कॉट अ थीफ, पकड़ा किसने, डूअर कौन है, डूअर है हमारा द पुलिसमैन, यानी कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, किसको पकड़ा, अब ये पकड़ने का काम इसने रिसीव किया है, ये काम है हमारा और ये रिसीवर है, तो रिसीवर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो होता है एस वी ओ, जो ये वर्ब होती है बेटे, ये वर्ब होता है एक्शन, वर्ब क्या होती है, एक्शन, एक्शन को करता कौन है, ये सब्जेक्ट करता है, इसलिए इसको मैं डूअर बोलता हूं, ठीक है। अब ये एक्शन जिसके ऊपर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है, बात समझ भाई, जो उस एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है, ठीक है, इट इज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, या इफेक्ट को रिसीव करता है ये। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने कहा राम किल्ड रावणा, ठीक है, राम किल्ड रावणा, अब एक्शन क्या हुआ है, किल करने का, किसने किल किया, राम ने, किसको किल किया, रावणा को, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये किल करने का इफेक्ट रावणा पर आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिसीवर है, ये एक्शन है, ये डूअर है, इस एक्शन का प्रभाव रावणा ने लिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है बेटे, ये होता है हमारा आंसर ऑफ, आंसर ऑफ हुम,
होम का आंसर होता है। होम का मीनिंग क्या होता है, किसे या किसको। दोबारा वही है, मेन वर्ब में किसे या किसको लगा करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर आए वो ऑब्जेक्ट है। तो किसे मारा, रावणा को मारा। क्या किसको पकड़ा, थीफ को पकड़ा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद सिंपल सेंटेंस में आने वाला जो जो भी नाउन होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, जब वो नाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है काम में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। वो एक्शन कौन है, मेन वर्ब है। उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है। उस एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये बेटा दूसरा हमारे सेकंड हमने केस कर लिया, ऑब्जेक्टिव केस। जो थर्ड होता है, पॉजेसिव केस, ठीक है, उसको हम करेंगे बेटे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारा काफ़ी लंबा पार्ट है, पॉजेसिव केस नाउन का। ये पोजेशन और रिलेशन शो करता है। तो कैसे हम पॉजेसिव केस बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, डिफरेंट वेज है बनाने के, और फिर इसको पॉजेसिव केस को यूज करने के डिफरेंट वेज हैं अलग अलग तरीके से। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी बेटे, पार्ट 5, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।